हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SD गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर। आज हम यहाँ पे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंफ्रारेड रीजन के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनकी वेवलेंथ की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है और जो एनर्जी है वो काफ़ी कम होती है। तो वेवलेंथ की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की तरह हम नैनोमीटर में रिप्रेजेंट नहीं करके यहाँ पे इनकी वेवलेंथ को हम माइक्रोमीटर या माइक्रोन में रिप्रेजेंट करते हैं। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और इन वेव नंबर। रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड द वेव नंबर इज वेव नंबर इक्वल टू 1/ वेवलेंथ। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि जब वेवलेंथ 2.5 माइक्रोन है तो उस स्थिति में अगर सेंटीमीटर में इसको देखें तो ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, क्योंकि 1 माइक्रोन बराबर है 10⁻⁴ सेंटीमीटर के या 10⁻⁶ मीटर के या 10⁻³ नैनोमीटर के। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू अगर वेव नंबर में निकाले तो वेव नंबर बराबर इक्वल हो जाएगा 1/2.5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर के। तो इस तरह से यहाँ पे अगर वेवलेंथ यहाँ पे 2.5 माइक्रोन रिप्रेजेंट कर रही है तो वेव नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह से हम माइक्रोन को वेवलेंथ की जगह अगर वेव नंबर रखें तो उसकी वैल्यू हम इंफ्रारेड रीजन में निकाल सकते हैं। यहाँ पे इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है नियर इंफ्रारेड रीजन। तो यहाँ पे हम देखें नियर इंफ्रारेड रीजन जो होता है वो होता है 0.8 से 2.5 माइक्रोमीटर तक का रीजन। अगर क्योंकि यहाँ पे ये जो वेवलेंथ ये जो वैल्यू दी हुई है ये दी हुई है वेवलेंथ के फॉर्म में। अगर इसको वेव नंबर के फॉर्म में देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स में, क्योंकि हम यहाँ पे इंफ्रारेड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है ये बैंड्स के फॉर्म में प्राप्त होता है, जहाँ UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें जो स्पेक्ट्रा पीक के फॉर्म में प्राप्त हो रहा है वहाँ पे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें स्पेक्ट्रा किस रूप में प्राप्त हो रहा है, बैंड के फॉर्म में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम वेवलेंथ को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट नहीं करके यहाँ पे हम वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पर हम ट्रांसमिटेंस को रखते हैं। तो इस तरह से हम वेव नंबर के फॉर्म में IR स्पेक्ट्रा को प्राप्त करते हैं और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में वहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो रीजन है उसको मिड इंफ्रारेड रीजन या मेन इंफ्रारेड रीजन कहा जाता है। ये होता है 2.5 से 25 माइक्रोमीटर तक का या माइक्रोन तक का। अगर वेव नंबर के फॉर्म में इसको देखें तो ये रीजन है 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक का। ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन रीजन होता है। अधिकतर स्पेक्ट्रा हमें इसी रीजन में प्राप्त होते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने में काम में आती है। तो मेन जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो इसी रीजन में प्राप्त होता है, 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। तीसरा जो पार्ट है वो है फार इंफ्रारेड रीजन। ये जो रीजन होता है ये होता है 25 से 1000 माइक्रोमीटर तक का रीजन, और इसको वेव नंबर की फॉर्म में देखें तो ये वेव नंबर की फॉर्म में होगा 400 से 10 सेंटीमीटर इनवर्स तक का रीजन। इस तरह से इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को के रीजन को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नियर इंफ्रारेड रीजन, मिड इंफ्रारेड रीजन एंड फॉर इंफ्रारेड रीजन।